मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। और टाइम हो रहा है 10:30 बजे का, और अभी तक मैंने खाना वगैरह नहीं बनाया है, चाय भी नहीं हुई है। आप मेरे फेस से देख ही सकते होंगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन से अच्छे से नींद नहीं ले पाई, ना मैं ना हर्षल के पापा, क्योंकि हर्षल को बहुत तेज़ फीवर है। कल रात से ही उसको फीवर आ रहा है, पहले भी एक दो बार आया है तो हमने उसे मेडिसिन दे दी थी तो ठीक हो गया था, लेकिन अब मेडिसिन जैसे देते हैं तो ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर उसको तेज फीवर आ जाता है, तो बस रोता रहता है, ऑल टाइम बस गोदी में रहता है, तो सारा हमारा जो काम वगैरह सब अस्त व्यस्त हो रखा है, और बिल्कुल गोदी में ही चढ़ा रहता है, उतरता ही नहीं है। कभी इसके पापा लेते हैं, कभी मैं लेती हूँ, हमारे कोई काम भी नहीं हो पा रहे हैं। बहुत बहुत रो रहा है, तो इनको भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है थोड़ा, और देखते हैं। अभी दवाई दी है हमने, और अगर अभी उसको नहीं ठीक होता है फीवर तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। वैसे ये बोल रहे थे कि ऑफिस से थोड़ा देर के लिए आ जाएंगे, तो फिर हम डॉक्टर के यहाँ उसको दिखाने लेके जाएंगे। वैसे मौसम ऐसा हो रहा है तो वायरल, मुझे लग रहा है वायरल है, लेकिन ठीक हो जाना चाहिए दवाई देने के बाद, तो ठीक ही नहीं हो रहा, तो बस फिर हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाएंगे उसको, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। और चाय चढ़ा दी थी तो ये रोने लगा, तो गैस ऑफ कर दी मैंने, कि ब्रश भी नहीं किया है, नहाया भी नहीं है, और दूध गर्म कर दिया है। दूध गर्म आ गया, ये चाय चढ़ा दी है, ये दूध है, ये राइस, थोड़ा सा वो शांत है, और ये सब्ज़ी कट करने के लिए मैंने रखा था तो कट नहीं कर पाई, ये रोने लगा, बस ये तीन ही छील पाई हूँ मैं। ये भी खेल रहा है थोड़ा सा, उसको ठीक लग रहा है तो खेल रहा है, जैसे थोड़ा सा भी बिल्कुल फीवर है उसको, तेज़ फीवर है, लेकिन हल्का सा भी थोड़ा सा उतरा ना तो बस वो खेलना शुरू कर देता है, पूरी एनर्जी वेस्ट कर देता है। और इसमें सबसे बड़ी वाली दिक्कत ये है कि ये दवाई ही नहीं पीता है, और बच्चों को मैंने देखा है कि वो इतना परेशान नहीं करते दवाई पीने के पीछे, दवाई पी लेते हैं, मीठी होती है दवाई, ऐसी कड़वी तो होती नहीं किसी दिक्कत हो, लेकिन ये दवाई ही नहीं पीता है। इसको ये फ्रेश होने गए थे, ब्रश कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको दवाई पिला देती हूँ। मैंने इसको दवाई पिलाई, बहुत अच्छे से इसने दवाई पी ली, लेकिन थोड़ी देर में इसने पूरी उल्टी कर दी, पूरी दवाई, पूरा दूध निकल गया, और जितना इसने इसके पेट में खाना था पूरा इसने वॉमिट कर दिया, खुद गीला हो गया, मुझे गीला कर दिया, बिस्तर गीला कर दिया। चलिए वो सब तो हटाइए, जब ये दवाई ही नहीं पिएगा तो कैसे ठीक होगा, इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, पता नहीं क्या करूं। और 2 दिन से तो दिन हो रात हो सो ही नहीं पाए हैं, क्योंकि पूरे टाइम उसको गोदी गोदी गोदी, अब तबीयत ख़राब है तो उसको गोदी तो चाहिए ही है, पापा के पास या मेरे पास। ये कहिए कि सैटरडे संडे छुट्टी थी तो इन्होंने संभाल लिया, नहीं पता नहीं मेरा क्या होता, और अभी भी ऑफिस चले जाएंगे तो पता नहीं मैं कैसे क्या हैंडल करूँगी। वैसे ये बोल रहे थे कि खाना के लिए परेशान मत हो, मैं दोपहर में आऊँगा, डॉक्टर के पास जाना ही है दिखाने के लिए, तो फिर भी मुझे लगा आप खाली पेट ऐसे जाएंगे ऑफिस अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने जैसे तैसे राइस चढ़ा, सब्ज़ी काटने को देखा, तो आप देख ही सकते हैं सब्ज़ी कटी ही नहीं है, अब देखते हैं क्या करते हैं। और फिर वो रोने लगा, उसे देखना पड़ेगा। इस पूरा घर आपको फैला हुआ दिख रहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल इतना ही टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ संभाल लूं, कुछ सेट कर दूं, बस इसी में पूरा ध्यान है हमारा। इतना फीवर होने के बाद भी हाथ पैर बराबर चलते हैं इनके, जैसे तैसे करके अभी नहा के आई हूं, और सब्जी चावल बन गया है, ये सब्जी और राइस बन गया है, और इन्होंने आटा लगा के रख दिया है, और चाय। क्या हो गया? घड़ी में। अरे तो क्या हाथ पे लग गया? हर चीज में तो ठोकता है, चाहे चेहरा हो चाहे हाथ, तो घड़ी में लगी। हाँ सही हो जाएगा, और परेशान, और हाथ टकरा रहा है। हाँ हाँ सही हो जाओगे भैया, पूरा बच्चा बच्चा सच में बहुत परेशान हो गया, पूरा चेहरा उतर गया, हाँ। एकदम मृत्यु सम हो गया है। हम लोगों को चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये बोल भी नहीं पाते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है, बता भी नहीं पाते हैं बेचारे को, बस रो के ही हर चीज बताते हैं।
बच्चों को संभालने में यही तो दिक्कत होती है। बड़ी मुश्किल से चाय बनी, तो थोड़ा सा चाय पी लें, थोड़ा ठीक लगेगा। हेडेक हो रहा है और इनको भी ऑफिस का लेट हो रहा है, लेकिन क्या करें, अब दो ही जन हैं तो कैसे क्या मैनेज करें, अब जैसे तैसे कर रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता थोड़े समय में इतना सब काम कैसे ले रहे हैं। क्या करें, अब मैनेज तो करना ही पड़ता है ना। अब तुम चल कैसे बिना खाए पिए ऑफिस, तो भी नहीं अच्छा लगता ना। जल्दी जल्दी जैसे कैसे होता है कर लेते हैं। एक तो वैसे ही खेलता रहता है, दिक्कत कुछ नहीं होती है, लेकिन जैसे इसकी अब तबीयत खराब हुई है ना, तो ये बहुत परेशान कर रहा है। उसे ये लग रहा है कि मुझे कोई लिए रहे या मेरे पास बैठा रहे, तो आदमी ऐसे में इसे लिए रहे कि कुछ अपने घर के काम करे। और इसका भी चेहरा छोटा सा और बहुत परेशान हो गया। कल सारा दिन मेरा इसी के संभालने सारा दिन यही संभालती हूँ। मैं ज्यादा ले नहीं पाती हूँ गोदी, बैठे बैठे जितना ले पाऊँ थोड़ा बहुत ही ले पाती हूँ, ज्यादा नहीं ले पाती हूँ। जल्दी बचपन हमें हो जाए, हम तो ये सोचते भी हमें भगवान जी हो जाए, बच्चे को नहीं हो। अब ऐसा हो सकता है कि इसका जो फीवर है या कोई तबीयत खराब हो, तो भैया इसके बदले भगवान जी मुझे इसको ट्रांसफर कर दे, लेकिन इसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो बोल भी नहीं पाते छोटे बच्चे, तो और बहुत दिक्कत होती है। खाना आ गया भैया, हमारे गर्मा गर्म खाना बना दिया। हम खाना खाएंगे, तुम क्या खाओगे? आलू खाओगे? मिर्ची खाओगे? क्या खाओगे? नींबू? बताओ क्या खाओगे? खाना भी बना दिया टाइम से। आलू टिका होगा अभी। इसका फीवर थोड़ा ठीक है, तो बस थोड़ा सा खेल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। बेटू मेरा, ये इसकी डलिया है, इसमें इसके सारे खिलौने और ये वाइप्स सब होता है, बट ये अपने खिलौनों से कभी नहीं खेलता। छोटू सा डॉगी और ये गिलहरी है छोटी सी।
भैयू की। और क्या है, छोटू सा पेंगुइन है। और क्या है इसमें बताओ, तुम्हारे पास क्या खिलौने? ये छोटा सा मुर्गा है, मुर्गा छोटू सा। छोटू सा क्यूट सा हाथी है, चाहिए तुमको? चाहिए, ये लो। ये लो खेलो। अभी हो गया है शाम का टाइम, बज गए हैं 5:10 और दोपहर में थोड़ा सा इसका बुखार उतरा था तो सो गया था। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, इनको जो चीजें खेलने को तो उनसे खेलना नहीं होता है, और जो फालतू की चीजें खेलना होता है खिलौनों से तो खेलते ही नहीं है। रिमोट चाहिए, पापा की घड़ी, माला जो रुद्राक्ष पहने होते हैं, या तो फिर वाइप्स का पैकेट, मतलब जो खिलौने खेलने की चीजें हैं उनसे तो खेलना ही नहीं है। फिर यार उसकी तबीयत थोड़ा सही है तो खेल रहा है। और मैंने घी में थोड़ा आलू बॉयल करने थे आलू, लेकिन मैं भूल गई, तो घी में मैंने थोड़ी से घी में आलू को फ्राई किया हुआ है हल्का सा सॉल्ट डाल के इसको खिलाने के लिए। तो बस इसको मैं थोड़ा सा खिलाऊंगी, आ देती हूँ थोड़ा सा आलू। इसको वैसे भी पसंद है और कार्बोहाइड्रेट होता है तो बच्चों के लिए अच्छा भी होता है खाने के लिए। तो मुझे सुबह बॉयल करना था, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा, तो मैंने सोचा चलो थोड़े से घी में फ्राई कर देती हूँ हल्का सा सॉल्ट डाल के, तो बस वही खिलाऊंगी मैं। देखिए थोड़ा सा, दो स्लाइस खा लेता है वो, तो बस दो स्लाइस है। और मैंने इसमें थोड़ा सा मूंगफली डाल के भी फ्राई कर दिया, तो मैं खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है सेजवान चटनी के साथ खाना। अच्छा लग रहा है उसको। लो बेटू, मूवी देख रहा है ये, अभी अभी ऑफिस से आए हैं और ऑफिस से आते ही बेटू चढ़ गया ऊपर। हाथ पैर बस धुले हैं, चाय वगैरह भी नहीं हुई है, और टाइम हो रहा है 7:20 का। अभी ये ऑफिस से आए, अब फाइनली मैं जाऊंगी तो अपना समेटूंगी काम, बर्तन वगैरह भी पड़े हुए हैं और थोड़ा सा खाना भी बनाना है। ये इतनी सारी मेडिसिन पिलाई है बच्चे को, बेचारा बच्चा, छोटा सा बच्चा, और इतनी सारी दवाइयाँ उसको पिलाई, क्या करें, नहीं दवाई पिएगा तो तबीयत सही नहीं होगी। और टाइम हो रहा है 11:30 का और उसको नींद नहीं आ रही है, और उसके चक्कर में हम लोग भी जाग रहे हैं। और जैसे तैसे उसको बहलाया फुसलाया कि उसका मन भटके इधर उधर, दवाई में नहीं जाए, पता नहीं कैसा है, पी लेगा और फिर धीरे 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 निकालता रहता है दवाई। बस ये आई होप कि बस वो ठीक हो जाए और अब फीवर नहीं आए उसको, 2 दिन से फीवर आ रहा है, तो एकदम छोटू सा मुँह हो गया है उसका। और खाना पीना हमारा हो गया है, और अब कोशिश करूँगी इसको सुलाने का कि सो जाए, सो जाएगा तो उसको थोड़ा आराम मिलेगा। और दोपहर में हम लोग 1 घंटे सोती तो काफ़ी सोया था, मैं इसके साथ थोड़ा सो गई थी तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, नहीं तो 2 दिन से तो सोना होना हुआ नहीं। और आशु बेचारे को तो ऑफिस ही जाना पड़ता है, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम लोग तो चलो घर में रहते हैं, थोड़ा आराम भी मिल जाता है। और आज का ब्लॉग यहीं तक का, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राधे।